एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूर जंक्शन एडुकेयर एंड आई एम योर ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। सो कैसे हैं आप सब? हैप्पी हैं? यस, क्योंकि देखिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है राइट, वो कुछ कम होगा क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उतना प्रॉपरली हो नहीं पा रही है पढ़ाई। तो सभी एज अ स्टूडेंट यू आर ऑल्सो एंड एज अ टीचर वी आर वेटिंग कि सिलेबस जो है सीबीएसई कुछ कम कर देगा। एंड फाइनली जो है सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, काफ़ी पोर्शन डिलीट हुआ है और जो भी वो डिलीट हुआ है वो इंटरनल एग्जाम में और आपके फाइनल एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे उसमें से क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पोर्शंस डिलीट हुआ है। आप भी बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि कितना सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि जहाँ देखो आप क्वेश्चन डाल रहे थे प्लीज़ बताइए सिलेबस कितना कम हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कितना जो है पोर्शन डिलीट हुआ है, ठीक है, और आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो डियर किड्स, उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, आप आज ही आज आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, उससे आपको जो है हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आप जानते हो ये जो सीबीएसई का साइट है राइट, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था जहाँ हमने डिस्कस किया था अबाउट रिजल्ट, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए cbsc.nic.in, ठीक है, ये साइट है। आप इस पर जब जाओगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है cbsc.nic.in, दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ सीबीएसई। तो जब हम वो टाइप करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर आपको आ जाएगा क्लिक फॉर रिजल्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कल। अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है और 15th के पहले आने वाला है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, क्या हो रहा है बच्चों की बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं तो ये जो है विंडो खुलने में बहुत टाइम ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो दिस साइट इज नॉट रीचेबल इट इज शोइंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कि रिवाइज्ड, यस रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई। जब आप ये टाइप करोगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको पता चलेगा बट इट विल टेक टाइम। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है ना, रीलोड कर रहे हैं हम, द साइट इज कांट बी रीचेबल, तो इसको हम यही रहने देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई डाला, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे ये जो है cbseacademic.nic.in, ये जो है हमारा इसी का आगे का लिंक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा आगे का पेज खुल गया है, ठीक है। आप ये साइट पे भी जाओगे तो भी आपको ये पेज मिलेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिवाइज करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21, और जो कि सीबीएसई की ये क्या है, ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और इस पे अब ये सारे करिकुलम आ चुके हैं, सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम ऑफ यस 9th एंड 10th, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 11th एंड 12th का। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको इनिशियल पेज रिवाइज भी दिया हुआ है, रिवाइज मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाकी सारी चीज दी है। यहाँ आप देखिए यहाँ पर आइए, करिकुलम डिडक्शन डिटेल, डिलीटेड पोर्शन, कितना पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज गिवन हियर। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, आपको जो भी सब्जेक्ट में देखना है कि कितना पोर्शन डिलीट हुआ है आप उस पर क्लिक करके पता कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि मैथ्स में कितना डिलीट हुआ है, ठीक है, तो ये हम मैथ्स के आ गए, ये 9th का खुल गया है, ठीक है, डिडक्शन पोर्शन मैथमेटिक्स, इसका कोड दिया हुआ है और क्या है, क्लास 9th। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 9th में चैप्टर वाइज यूनिट वाइज कितना टॉपिक रिड्यूस हुआ है, ये सारे जो टॉपिक है ना बच्चों वो रिमूव हुए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। बट आपको उसकी जानकारी रखनी है, ये नहीं है कि रिड्यूस हो गया तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए पढ़ते रहना, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में ये सारा पोर्शन डिलीट हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हम ऐसे ही देख ले रहे हैं। और आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है,
यहाँ से आप करोगे, इस पे प्रेस करोगे तो ये जो पीडीएफ है आपके पीसी में या आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप उसको डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो पॉलिनोमियल में ये जो है पोर्शन रिड्यूस हुआ है, मोटिवेटर स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम दिस इज डिलीटेड। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिलीट हो चुका है, और आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, मतलब आपको पूरा पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसका मतलब है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है आपका डिलीट हुआ है, तो उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एरिया, ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, डिलीटेड द चैप्टर। ओके, सो बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है, उसको हम प्रॉपरली क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर जब आप ये तो नाइन्थ का दिखा रहा है, नाइन्थ का भी काफ़ी चीज़ें हर लेसन वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे जो है क्लास टेंथ का आ जाता है, क्लास नाइन्थ हो चुका, नाउ सी क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में भी यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलरली जैसे क्लास नाइन्थ में दिया था, जो पोर्शन डिलीट हुआ है, टॉपिक रिमूव हुआ है, वो इस तरफ दिया हुआ है, आप कर्सर देख सकते हो। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हम चैप्टर वन की बात कर ले, रियल नंबर की बात कर ले, तो वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा ये नहीं आने वाला है। ठीक है, सो ऐसे ही सर्कल, जैसे सर्कल चैप्टर है, आजकल हम सर्कल चैप्टर कर रहे हैं, वहाँ देखिए कोई भी डिलीशन नहीं है, दो ही एक्सरसाइज है वो हमको पूरी करनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इस तरीके से ये दिया हुआ है नाइन टेंथ का मैथ्स का। इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट का देख सकते हो। यहाँ देखिए अगर आपको साइंस देखना है तो यहाँ पर आप साइंस पे जो है क्लिक कर सकते हो, होम साइंस, हियर साइंस इज गिवन, राइट। साइंस का भी एक बार आप देख लो, यहाँ से ये यूनिट वाइज दिया हुआ है चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हो गया है। जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर ये नहीं आएगा आपको, सॉलिड लिक्विड गैस ये भी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक दिस इज ऑल्सो डिलीटेड, तो वो आप यहाँ पर प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम, तो ये तो रही बात नाइन्थ और टेंथ की, आप सारे सब्जेक्ट का यहीं पर देख सकते हो, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है यहाँ वहाँ। आफ्टर दैट हम इलेवेंथ ट्वेल्थ का भी ले लेते हैं। इलेवेंथ ट्वेल्थ का भी देखिए सेम दिया हुआ है, करिकुलम डिडक्शन योर, और ये जो है सारे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है यहाँ पर। आपको जो भी सब्जेक्ट में देखना है कि कितना पोर्शन डिलीट हुआ है वो आप प्रॉपरली यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ मैथ्स ले लेते हैं तो ये देखिए बच्चों, मैथ्स में, जैसे मैथ्स में आपका सेट्स में क्या नहीं आने वाला है, डिफरेंशिएट्स ऑफ सेट्स, ठीक है, ये नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से अलजेब्रा में जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीट फुल चैप्टर, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ये भी पूरा डिलीट हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है आपके सिलेबस में से डिलीट हुआ है, जिससे आपको काफ़ी राहत होगी बच्चों, क्योंकि हम भी समझते हैं कि ऑनलाइन उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। तो डियर किड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि क्लास वाइज कितने कितने क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितना सिलेबस आपका डिलीट हुआ है, वो डिटेल में हम देखेंगे। तो टिल देन आप इंजॉय करिए, हैव अ गुड डे किड्स।